तो चेस केस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए उसको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ज़रूरी है। ये मेरे सामने आ रही है जेस कैश की एप्लीकेशन, लेकिन ये जेस कैश नहीं है, जेस वर्ल्ड है। तो आपको ये इंस्टॉल नहीं करनी है अनटिल आपके पास जेस की सिम ना हो। अगर आपके पास दूसरी सिम है तो ये आप किसी काम की नहीं है। तो आप इधर जेस कैश को सर्च करो, जेस कैश अभी इंस्टॉल करनी है, मतलब अभी डाउनलोड हो रही है, अब फिर इसके बाद इंस्टॉल होगी। अभी मतलब लिखा हो रहा है डाउनलोड हो रही है और फिर इंस्टॉल हो रही है, फिर इंस्टॉल होगी। क्योंकि जब से जब तक आपके मोबाइल के अंदर कोई फाइल ना हो तो इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में भी और सही तरह से भी डाउनलोडिंग ही कहेंगे। और जब वो आपके फाइल सेटअप जो भी आपके सेल के अंदर जो डिवाइस के अंदर आ जाए तो उसके बाद वो डाउनलोड की जगह इंस्टॉल कहलाता, इंस्टॉलिंग। तो भी डाउनलोड हो रही है, जब तक इसका रिव्यू कर लें। इसके अंदर पेओनियर भी आ गया है, ये बोनस मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है और इससे मैंने नेट पैकेज करवा लिया था। इसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, गैस, इंटरनेट, वाटर बोर्ड का बिल दे सकते हैं। जेस कैश का कार्ड भी आ चुका है, इनवाइट एंड अर्न पर इनवाइट आपको अर्निंग होती है। 20 फ्रेंड इनवाइट करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ की अर्निंग हो जाएगी, यहाँ पे ये बता रहे हैं। और ये जेस कैश के कार्ड हैं, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी काम आते हैं। और ये सर्विसेज हैं जिनके साथ ये लिंक्ड हैं, डेवो, याजी एक्सप्रेस और इस तरह कनेक्ट, काफ़ी सर्विसेज के साथ ये लोग कनेक्टेड हैं। आप से QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे दुकानों के ऊपर आपने देखा होगा आजकल कि QR कोड, इस तरह के कोड लगे हुए हैं, उसको आप स्कैन करें, उनको पेमेंट करते हैं। आपको कैश हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। और यही टेलीनॉर के साथ भी है। तो उसके कुछ अच्छे फीचर भी हैं और कुछ सिमिलर फीचर भी हैं टेलीनॉर ऐप के साथ, टेलीनॉर ऐप के जैसे। लेकिन इसका एक अच्छा फीचर है जो टेलीनॉर ऐप में भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें आ चुका है लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उसमें भी पेओनियर से कनेक्ट हो सकते हैं। वो भी IBN नंबर दे रहा है और ये भी IBN नंबर शायद दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कि दे रहे हैं नहीं दे रहे। चले देखते हैं कि डाउनलोड हुई है, इंस्टॉल हुई है। ठीक है, इसने इंस्टॉल भी कर दिया। अभी हमने खोल लिया जेस कैश की एप्लीकेशन को, ओपन कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टैंड रजिस्ट्रेशन। चले जी, इसको स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर देना है, तो मेरे पास जो सिम लगी हुई है वो नंबर मैं इसमें दे दूँगा। मेरे पास फिर अलाउ करना है, इसको अलाउ करना है तो एप्लीकेशन लेने के लिए भी। पता नहीं क्यों वेट कर रहा है। अच्छा, अब इसने OTP सेंड किया है, प्लीज वेट वाइल योर OTP वन टाइम पासवर्ड इज हार्ड टू फेच। और मेरे पास वन टाइम पासवर्ड आ गया है, ऑटो फेच भी हो चुका है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो आपको सिम लगा के ज़रूरी रखनी है इसके अंदर, क्योंकि कहीं और सिम होगी तो ऑटो फेच नहीं होगा। ऑटो फेच ये होता है कि मतलब आपकी सिम सेल के अंदर होगी तो ही फेच होगा, ऐसे में इसको खुद ही रीड कर लेता है। तो ये मैंने अपने क्रेडेंशियल एंटर कर दिए,
मेरे कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन मतलब एक्सेस क्यों मांग रहा पता नहीं, लेकिन चले देखते हैं क्या होता है। मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा लो है तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही, खुल गया और देखिए यहाँ पे मेरी प्योर की सर्विस पे आ रही है। ये मेरे अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 00 करोड़ रुपये और प्योर में देख लेते क्या है। प्योर से कनेक्टेड है मेरा, मैनेज अकाउंट में भी जा सकते हैं और ट्रांसफ़र फंड्स में भी बहुत मिलियंस रुपीस पड़े हुए, और इधर भी मेरे 2-3 करोड़ रुपये पड़े हुए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें या बंद कर दें।